हूँ आप लोग को लेके सेक्टर 1 के गणेश पंडाल में, जो कि पूरा हॉन्टेड हाउस जैसे बनाया गया है। चलते एक्सप्लोर करते और अंदर से आप लोग को दिखाते हैं कि कैसा कैसा हॉन्टेड हाउस है, और शायद टिकट भी लग रहा होगा, तो चलते अंदर और आप लोग को दिखाते हैं। सेक्टर 1 और यहाँ का पंडाल दिखाते हैं आप लोग को, क्या मस्त पंडाल बनाया गया है यहाँ पे भी, पूरा मतलब भूत भूत टाइप का, अंदर से पूरा डेंजरस टाइप का बनाया गया है। चलते आप लोग को दिखाते हैं और बाहर का डेकोरेशन देख लो, और रोड में पूरा पेड़ में डेकोरेट किया गया है। तो ये एंट्री गेट है, चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर से आप लोग को दिखाते हैं। बाकी पंडाल की बात की जाए तो पंडाल ये देखो भाई साहब, पंडाल हॉन्टेड लिखा हुआ है, अलग से ही हॉन्टेड लिखा गया है। और अंदर जाने के लिए मैं तो बहुत बेताब हूँ भाई, इसके अंदर जाने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ यार। देख रहो, और लिखा हुआ है हॉन्टेड हाउस करके लिखा हुआ है, लोग दिखाते हैं। वैसे जितना भीड़ होना चाहिए उस टाइप से आज भीड़ है नहीं, इधर से स्टॉल लगने के लिए तैयारी चल रही है अभी। पास से देख सकते हो आप लोग, ऊपर में भूत जैसा बनाया गया है, जैसा कि देख रहे होगा आप लोग को। पूरा घर टाइप का बनाया गया है। हॉन्टेड हाउस का टिकट लेने के लिए आपको जस्ट सामने में आप लोग को ये स्टॉल दिख जाएगा, यहाँ पे आप लोग को टिकट मिल जाएगा अवेलेबल। देखते हैं प्राइस कितना रहता है हॉन्टेड हाउस का। ₹20 का टिकट है एक, ₹20 एक पर्सन का वन टिकट, हम लोग दो लोग हैं तो ₹40 लगेगा अपना। चलो टिकट दिखाते हैं और अंदर की तरफ आप लोग को लेके चलते हैं अंदर। और जो बनावट बनाया गया है ना यार, वो मैं क्या ही बोलूँ यार, बयान नहीं है। बस अंदर जाते हैं और अंदर से आप लोगों को पूरा दिखाते हैं। चलो अंदर तरफ चलते हैं। और ऊपर में देख लो मस्त स्कल बनाया गया है, और इसमें भी स्कल में भी लाइटिंग मस्त किया गया, रेड रेड आंखें बनाया गया है, और वहाँ हॉन्टेड यहाँ हाउस लिखा हुआ है। अंदर की तरफ आ चुके हैं अपन, और अंदर में तो कुछ दिख नहीं रहा यार, स्कल इधर ये है और इधर साइड लाइटिंग किया गया है। बाकी इसको देख सकते हो, ये भी डरावना है, कुछ 3D टाइप का बनाने की कोशिश किया गया है, इसको 3D टाइप का ही दिख रहा है। जैसे कि इसको देख लो, ये भी सांप मस्त 3D टाइप के लुक में बनाया गया है। अंदर में देख लो मस्त भूत जैसा गोल गोल का फेस घूम रहा है, मतलब बच्चे लोग को लेके आ सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा डरावना नहीं है, बच्चे लोग भी आ सकते हैं। जैसे कि इसको भी 3D में बनाने की कोशिश किया गया है, और ये भी 3D में बनाने की कोशिश किया गया है, देख लो मस्त दिख रहा है 3D टाइप का ही, और ऊपर में लाइट लगा करके मस्त 3D टाइप का लुक आ रहा है, मस्त लग रहा है। आवाज़ सुनो इनका। आप लोग को और दिखाते हैं, बाकी लाइट का थोड़ा सा कमी है यार, लाइट थोड़ा कम है। अभी 3D में बनाया गया है, मतलब वही 3D टाइप का ही लुक देने की कोशिश किया गया है, ग्रीन और बैकग्राउंड में ब्लू कर दिया, तो ऐसा लगता है कि हम लोग 3D टाइप का देख रहे हैं, इस टाइप का फील हो रहा है। मस्त बनाया गया देख लो। बनाया गया है, मस्त लग रहा है। देखो गला काटते हुए दिखाया गया है, उधर उधर देख सकते हो, जैसा कि आप लोग, इतना मस्त बनाया गया है। और इधर भी पूरा 3D टाइप का बनाया गया है, देख लो मस्त लग रहा है। जो भूत वाला कॉन्सेप्ट है ना यार, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, भूत वाला कॉन्सेप्ट उल्टा लटके हुए हैं इधर भूत, मतलब मस्त लग रहा है। और इधर भी है, हाथ बनाया गया है, और ये भी है।
मस्त बैठे हुए एकदम भूत। आप लोग ऐसा लग रहा है कि उसको खा रहा है इस टाइप को बनाया गया है, और ऐसा लग रहा है कि बीच में उसको डाल दिए है आदमी को और उससे खून निकल रहा है, उसको घुमाया रहा है देखो बाजू में बैठ के, एक लटका दिया गया है एक जन को मार के, इस टाइप का पूरा बनावट किया गया है 3D टाइप का। आदमी को मार के आग टाइप का बनाया गया उसमें डालते हुए दिखाया गया इसमें। कब्र टाइप का दिखाया गया है इसमें, कब्र टाइप का टूटा हुआ कब्र है, उसके अंदर से कब्र से भूत हुआ बाहर आ रहा है इस टाइप का दिखाया गया है। पीछे से वो उसके ऊपर उसको गिरा के उसको काटने की कोशिश किया गया है, कर रहा है काटने का दिखाया गया है आदमी को भूत के द्वारा। चलो अब इधर साइड का दिखाते हैं, यहाँ से अंदर प्रवेश करते गणेश मूर्ति के तरफ, और यहाँ का आप लोग गणेश मूर्ति दिखाते हैं अंदर से। अभी यहाँ पे पूजा चल रहा है, और अंदर का भी डेकोरेशन देख लो आप इस टाइप से। चलो बाहर निकलते हैं अपन, अब दिखा दिए आप लोग को। इतना मस्त लग रहा था हॉन्टेड हाउस देख सकते हो। दिखा दिया आप लोगों को सेक्टर 1 गणेश पंडाल का वीडियो, पूरा हॉन्टेड हाउस जैसा बनाया गया है। अंदर बच्चे लोग आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि डरेंगे, बस वो साउंड वाउंड वगैरह बस है वही बस है, और कुछ नहीं है ज़्यादा डरावना ऐसा कुछ नहीं, बस बनाया गया है आप लोग आके विजिट करना। वैसे आज खाली था क्योंकि आज फर्स्ट डे है गणेश चतुर्थी का, तो आप लोग आके विजिट करना। चलते हैं आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नया ब्लॉग में चलते हैं, बाय बाय, ठीक।